Welcome back. My today's topic is French Revolution and the subtopic is subsistence crisis. हमने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा था कि किस तरीके से थर्ड स्टेट जो था वो सरवाइव कर रहा था, क्योंकि किंग ने क्या किया था, सारा रेवेन्यू का टैक्स का जो बर्डन था वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों पे ही लगा रखा था, और यूजुअली 90% ही जो पॉपुलेशन थी इसके अंदर वो गरीब थी, है ना। तो ऐसे में पहले से तो गरीब, और फिर उसके ऊपर से और उनको टैक्स देना है, तो उनकी हालत डे बाय डे क्या होती जा रही थी, बुरी होती जा रही थी। साथ ही साथ में उनके ऊपर लगाए जाने वाले टैक्सेस जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते थे, जैसे कि टिथेज होते थे, टैरिज होते थे, चर्च को भी देना है, गवर्नमेंट को भी देना है, स्टेट को भी देना है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस और लगा दिए गए जो कि डेली कंज्यूम वाली चीजें थी, टोबैको और सॉल्ट। तो इसकी वजह से लोग काफी परेशान थे। अब ये परेशानी कब और कैसे बढ़ी, थोड़ा सा और देखते हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन एंडेंजर्ड। अरे ना, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अगर है तो मतलब जीवन जीने के लिए जो चीजें बहुत जरूरी है ना, वो अपनी बेसिक नीड्स कहलाती है, ठीक है ना। तो जब वो खतरे में हो तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सबसिस्टेंस क्राइसिस है। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जहां पर हमारी बेसिक नीड्स खतरे में आ जाती है। बेसिक नीड क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। एक बार मकान टूटा फूटा होगा तो भी चलेगा, कपड़े फटे हुए हैं तो भी इंसान जी जाएगा, मरेगा नहीं। बट अगर रोटी नहीं मिले तो क्या होगा, अगर रोटी खतरे में आ जाती है तो यहाँ पर इंसान का जिंदा रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आ गई थी फ्रांस के अंदर। अब वो क्यों आई, कैसे आई, थोड़ा सा और देखते हैं। बट जब कभी भी आपको बोला जाए कि फ्रांस के अंदर सबसिस्टेंस क्राइसिस थे, इट मींस व्हाट यू हैव टू रिमाइंड दैट इट इज अ सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। खतरे में आ जाते हैं जब बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। अब फ्रांस में क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे लोग, उसके कारण क्या थे, चलिए। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज, क्या हुआ, फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो रैपिडली बढ़ रहा था, और कितना बढ़ गया, 1715 CE के अंदर सिर्फ 23 मिलियन था, बट 1789 तक वो 28 मिलियन हो गया, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इतना पॉपुलेशन बढ़ गया, पहला कारण ये। अब आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ता है तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो मैं बोल सकती हूँ जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो भी बढ़ेंगी, है ना। रहने के लिए जगह भी चाहिए, घर भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। एक्सट्रीम लेवल पर क्या होंगे, डिमांड्स बढ़ेंगी। इसकी वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन की डिमांड क्या हुई, बढ़ने लगी। बट नेचुरल है, पॉपुलेशन बढ़ा तो खाने की डिमांड क्या हुई, बढ़ने लगी। बुरी बात क्या है, बढ़ेगी वो। तो फिर प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी कि पॉपुलेशन बढ़ गई, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई, प्रॉब्लम क्या था कि पॉपुलेशन तो बढ़ गई, फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ गई, बट फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो उतना ज्यादा नहीं था जितना कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। सो द प्राइसेस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। अब क्या हुआ जरा समझना, मान लीजिए ये मार्कर है ना। अब मैं इसी का एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मान लीजिए मार्कर की डिमांड बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ऐसे में क्या होगा, जो अमीर टीचर्स हैं वो उनको खरीद लेंगे, नहीं क्योंकि इसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है, मुझे तो इसको खरीदना ही पड़ेगा, और उनके पास बहुत सारा पैसा है तो वो इसको खरीद लेंगे। मिडिल क्लास फैमिली जो कि न के बराबर यहाँ पर
तो उनका तो कोई चांस ही नहीं था। और 90% पॉपुलेशन हम बोल रहे हैं कि गरीब है, तो क्या वो खरीद पाएगी इस बढ़ी हुई प्राइस के मार्कर को? डेफिनेटली नहीं खरीद पाएगी। अब क्या होगा, 90% लोग चाह रहे हैं इसको, तो दुकानदार क्या सोचेगा कि अरे यार पहले से मेरे पास कम है मार्कर, भाई स्टॉक तो मेरे पास भी कम है। दुकान वाला सोचेगा तो क्यों ना मैं इसके प्राइसेस बढ़ा दूं, ताकि जिसको जिसके पास पैसा है वो ले जाए और बाकी मुझे भी प्रॉफिट मिल जाए। तो यहाँ पर क्या शो होता है कि जिसके पास पैसा है, प्राइसेस बढ़ी हुई थी तो भी उन्होंने ले ली, बट 90% लोग जो थे ना वो यहाँ पर इस मार्कर को नहीं खरीद पाए। सेम उसी तरीके से क्या हुआ, जब क्वांटिटी कम होती है तो उसकी डिमांड, और उसकी डिमांड ज्यादा है तो उस क्वांटिटी के प्राइसेस भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब हुआ ये प्राइसेस बढ़े, पर प्राइसेस बढ़े ऐसी चीज के जो कि स्टेपल डाइट है, मतलब जरूरी डाइट है। अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात करूं अपने, तो वीट अपनी स्टेपल डाइट के अंदर आती है, क्योंकि वीट यानी रोटी तो अपने को चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, प्राइसेस ऑफ ब्रेड, वहां पर ब्रेड यानी ब्रेड चलता है, तो ब्रेड का जो प्राइस था, रोटी का जो प्राइस था, वो क्या हुआ, बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि 90% पीपल जो थे वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे ब्रेड खरीदने के। फिर एक चीज और हुई, द वेजेस ऑफ द लेबरर्स वर फिक्स्ड बाय देयर ओनर्स। ये जब चालू हुआ उससे पहले इस पॉपुलेशन के, थर्ड स्टेट के कुछ पॉपुलेशन के कुछ परसेंटेज के जो लोग थे, वर्कर्स थे, वो लेबरर्स थे, और उनकी जो प्राइस थी ना, उनकी जो सैलरी थी ना, वो फिक्स थी। जो उनके ओनर्स थे उन्होंने उनकी सैलरी को फिक्स कर रखा था, ठीक है। अब क्या हुआ, द वेजेस कुड नॉट पेस विद द राइज इन प्राइसेस। अब हर चीज की प्राइस बढ़ रही है बट आपकी सैलरी बढ़ी ही नहीं, तो क्या होगा, क्या आप कैपेबल रहेंगे सारी रेगुलर कमोडिटीज को खरीदने में? बट नेचुरल है नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास तो पैसा ही बहुत कम है, और प्राइसेस जो है वो दूसरी कमोडिटीज की, जो रोटी की, वो जो आपको चाहिए, ठीक है ना, उसकी बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, गरीब और गरीब हो जाएगा और अमीर हो जाएगा जो ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। क्या होगा, द वेजेस कुड नॉट पेस विद द राइज इन द प्राइस एंड द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। अब क्या हुआ, वेजेस नहीं बढ़ी, सैलरी नहीं बढ़ी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। गरीब बहुत गरीब हो गए, अमीर बहुत अमीर होने लगे, और उनका गैप भी क्या हुआ, बढ़ गया। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन एवर ड्रॉट और हैज रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। अब पहले से डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी कम है, और प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। हालत तब बुरी और हो गई थी फ्रेंच लोगों की जब अकाल या फिर ओले गिर जाते थे, और उसकी वजह से हार्वेस्ट क्या हो जाती थी, बिगड़ जाती थी, फसलें बिगड़ जाती थी। तो ऐसे में और जो हालात थे वो बुरे होने लग गए, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए, जो क्वांटिटी अवेलेबल थी, जो क्रॉप अवेलेबल थे उनकी। अब ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से फ्रेंच के लोगों को सब्सिस्टेंस क्राइसिस का सामना करना पड़ा। अब इससे रिलेटेड ये जो आपको दिख रहा है ना 5 पॉइंट, इस 5 पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड द पीपल ऑफ फ्रांस हैव टू स्ट्रगल टू सर्वाइव। मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा मैसी हो गया बट समझ लीजिएगा, व्हाई डिड द पीपल ऑफ फ्रांस हैव टू स्ट्रगल टू सर्वाइव। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द सब्सिस्टेंस क्राइसिस ऑफ फ्रांस। सेम पॉइंट आपको लिखने, ये ही आपका आंसर है, क्वेश्चन आपके सामने है, दो तरीके से पूछा जा सकता है, और ये आपका आंसर, आपको ये ही लिखना है।
तो आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।